Divine masculine energy is very much attracted towards the earth energy. Right now, बहुत सारे divine masculine इसीलिए connect कर रहे हैं because attraction का level इतना ज़्यादा है और जिसको कहते हैं कि it's not only attraction, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे मत समझिएगा कि आपकी फिजिकल फॉर्म का अट्रैक्शन, बल्कि आपकी प्रेजेंस, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी, इट्स टू अट्रैक्टिंग. अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ये शिफ्ट के बाद से ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं. और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी थर्ड पार्टीज़ को एकदम क्लियरली बता चुके हैं. बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन कह सकती हूँ मैं कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन क्लियरली अपनी डिवाइन थर्ड पार्टी को बता चुके हैं कि क्या डिफरेंस है उनमें और उनके डिवाइन फेमिनाइन में. तो थर्ड पार्टीज़ एज यूजुअल जेलेसी में, वो तो छोड़ ही दीजिए, उनको जिस पिट में रहना है उनको रहने दीजिए. फाइव ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ही डिजेक्शन में थर्ड पार्टीज एंड द स्टार एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल एक शाइनिंग एट्रीब्यूट्स के साथ दिख रही है, वहीं पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिजेक्शन में है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी फेस कर रही है थर्ड पार्टी. कार्मिक जो है पार्टनर, वो देखिए, आप राइट इंटेंशन से अगर किसी के साथ नहीं हो तो आज नहीं तो कल वो पर्सन आपको पहचान ही जाने वाला है ना. तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यही वाला सीन अभी हो रहा है कि सडनली एनर्जी ट्रांसफॉर्म है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्म है और ये आउटर रियलिटी में हो रहा है. जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पहले इनर रियलिटी में थी, अभी आउटर रियलिटी में ये चेंज बहुत देखने को मिल रहा है कि टोटली थर्ड पार्टीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या तो इग्नोर कर रहे हैं या फिर क्लियरली उनको अपना बता रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो थर्ड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा अभी गर्त में लेके जा रहा है. ये थर्ड पार्टी है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है इस टाइम पर. एट ऑफ कप्स एंड डेथ एंड टेन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फियर्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स दिखाए जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन को कि क्या क्या बर्बाद हो सकता है अगर थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं किया तो, क्या क्या बर्बाद हो सकता है, वो सारे एस्पेक्ट्स डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाने की कोशिश हो रही है. एंड बिलीव मी, इट इज़ ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि इस बार मैनिपुलेट कर नहीं पाएंगे. इस बार डिवाइन मैस्कुलिन को सिर्फ क्वीन चाहिए, वो कोई भी एनर्जी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं है राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन. और डिवाइन मैस्कुलिन अपनी इच्छा को वोकल, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि वोकल होना स्टार्ट हो चुके हैं, वोकल हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन. आपको गली में बाइक स्टार्ट हो रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत क्लियर आ रही है इसलिए मैंने आपको बोल दिया. तो बहुत सारे साइकिल एंड हो रहे हैं दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और ये डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इन साइकिल्स को खुद से इनिशिएट करके एंड कर रहा है. जो भी पैटर्न सेट हो गए दोनों के बीच में, एंड करना चाहता है डिवाइन मैस्कुलिन उनको, और कर भी रहा है. सो दैट्स गुड, एक और चीज़ अच्छी है. और अगेन डिवाइन फेमिनिन के लिए तो, जिसको हम कह सकते हैं, एक जजमेंट है, बिल्कुल प्योर जजमेंट है डिवाइन फेमिनिन के लिए. अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट, जिसको कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, एक तरह की अपनी वोकल होने के बाद और अपनी स्टैंड लेने के बाद लाइट एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है. बहुत ही अच्छी रीडिंग है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी पे बेस्ड थी ये रीडिंग. और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं, कम्युनिकेशन और रीयूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन. एंड जो कि मैंने आपको पहले बताया ही है
वैसे आपको कॉशियस रहना है अपने बिहेवियर को लेके, अपनी एनर्जी को लेके। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एनर्जी क्लेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लेम करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।